हेलो स्टूडेंट, टुडे इज अवर टॉपिक इज प्रीकास्ट एंड इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्शन। तो हम प्रीकास्ट और इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन। तो प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट मेंबर विच हैव बीन फॉर्म कास्ट एंड क्योर प्रायर टू फाइनल प्लेसमेंट इन ए स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्क्रीट मेंबर जिसको फॉर्म किया गया कास्ट क्योर, मतलब प्लेसमेंट स्ट्रक्चर में प्लेसमेंट से पहले उसे किसी साइट पे फॉर्म कास्ट एंड क्योर किया हो, देन हम उसको लाके हम जो कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर है उसमें प्लेस कर रहे हैं, तो होता है प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड दोज बिल्डिंग वेयर द मेजोरिटी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोनेंट आर स्टैंडराइज एंड प्रोड्यूस इन प्लांट इन ए लोकेशन अवे फ्रॉम द बिल्डिंग एंड देन ट्रांसपोर्ट टू द साइट फॉर असेंबली। दीज कंपोनेंट आर मैनुफैक्चर बाई इंडस्ट्रियल मैथड बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू बिल्ड लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग इन ए शॉर्ट टाइम एट लो कॉस्ट, ठीक है। जो प्रीकास्ट मेंबर होते हैं ना कंस्ट्रक्शन, वो क्या होते हैं, उन बिल्डिंगों में हम इसे यूज लिए जाते हैं, मतलब जो प्रीकास्ट उन्हें क्या किसी प्लांट वगैरह में उनको वहाँ पर तैयार किया जाता है, तो वहाँ पर तैयार करके उसको फिर साइट पर ट्रांसपोर्ट करके साइट पर असेंबल कर दिया प्रीकास्ट मेंबर। साइट पे प्लांट करने के क्या फ़ायदे होते हैं, देखो कम टाइम ही हमारा तैयार हो जाता है, कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में, कॉस्ट भी थोड़ा कम लगता है, ठीक है। और हम इससे लार्ज बिल्डिंग बना सकते हैं क्योंकि हम वहाँ से जो पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर के वो हमने प्लांट पे तैयार किए, देन हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हुए हमने उसे असेंबल करते गए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर लार्ज ब्लॉक होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये सारी दिक्कत आती है। बाकी इसमें जो शॉर्ट टाइम में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है। प्रीकास्ट स्ट्रक्चर कैन बी रीयूज एक्सटेंडेड एंड रीफिटेड इंटरनली। जो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर होता है उसको दोबारा से यूज लिया जा सकता है, एक्सटेंडेड किया जा सकता है, और इंटरनली उसे रीफिट दोबारा अगर फिट करना उसे फिट किया जा सकता है। स्ट्रक्चर डू नॉट नीड टू बी डिमोलिश एंड कैन सिंपली बी रिनोवेट इंटरनली कंजर्विंग रिसोर्सेज रिड्यूसिंग वेस्ट एंड लैंडफिल। तो इसमें क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है इंटरनली, मतलब उसे रिनोवेट करना है, तो जो स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हुआ उसको हटा के और दूसरा स्ट्रक्चर जो प्रीकास्ट मेंबर उसको लगा के दोबारा बनाया जा सकता है, तो डिमोलिश नहीं करने की जरूरत नहीं है ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को। प्रीकास्ट इज इजी टू कीप क्लीन रिक्वायरिंग मिनिमम मेंटेनेंस। ये मतलब मेंटेनेंस भी इनमें कम आता है, ठीक है। प्रीकास्ट कॉन्क्रीट कैन बी मोल्डेड इंटू ऑलमोस्ट एनी फॉर्म एंड फिनिश, ठीक है, किसी भी फॉर्म में इसको मोल्ड किया जा सकता है। केयरफुली डिजाइन ऑफ प्रीकास्ट कॉन्क्रीट बिल्डिंग इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ रीयूजिंग द बिल्डिंग ओवर अगेन। तो इसको क्या प्लांट में बहुत ध्यान से और जो स्टैंडर्ड मेथड होते हैं उनसे तैयार किया जाता है, इससे इसकी जो रीयूज करते हैं इसको दोबारा बिल्डिंग में इसको रीयूज कर सकते हैं, इसका ही फायदा है, ठीक है। बींग फ्लड रजिस्टेंस प्रीकास्ट कॉन्क्रीट डज नॉट इरोड या रॉट, देयर फॉर इज ससेस्टिबल फॉर रिवर एंड कोस्टल बैरियर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई टाइड एंड स्ट्रॉम। देखो आपको पता है जो प्रीकास्ट मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जो हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट हम इसमें यूज लेते हैं, हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट और हाई स्ट्रेंथ स्टील वार हम इसमें यूज लेते हैं, इससे क्या है फ्लड रजिस्टिव होती है प्रीकास्ट कॉन्क्रीट, इजिली इरोड नहीं होती, ठीक है। तो हम इसे कोस्टल बैरियर रिवर वहाँ पर यूज ले सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई टाइड एंड स्ट्रॉम्स को से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसे रिवर कोस्टल उधर हम इसको यूज ले सकते हैं प्रीकास्ट मेंबर को, कि इसके हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट और हाई स्ट्रेंथ स्टील हम इसमें यूज लेते हैं, ठीक है। एज ए हार्डी वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन मेथड प्रीकास्ट कॉन्क्रीट अंडरग्राउंड पाइप्स ट्रांसपोर्ट सीवरेज एंड क्लीन वाटर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। ये क्या होता है कि इसका वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये अनक्रैक स्ट्रक्चर होता है, अनक्रैक स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, इसको हम वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में हम इसको यूज लेते हैं, इसलिए जो प्रीकास्ट कॉन्क्रीट है वो अंडरग्राउंड पाइप में यूज लेते हैं सीवरेज के ट्रांसपोर्ट, क्लीन वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये क्या क्या प्रोवाइड कराता है, कंप्लीट थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, इफेक्टिव रेन स्क्रीन, ठीक है, सुपीरियर लाइफ स्पान सुपीरियर होता है, न्यूमरस फिनिश ऑप्शन एंड कलर्स, ठीक है, फिनिश ऑप्शन इसका अच्छा होता है, बेटर होता है, और कलर भी हम जो हमें चाहिए वो बेटर प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, फिनिशिंग अच्छी आती है। प्रीकास्ट बिल्डिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, देखो प्रीकास्ट कॉन्क्रीट फ्रेम, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट वॉल, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट फ्लोर, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट कॉलम एंड बीम, जिन्हों हम प्रीकास्ट करके और हम इसे डायरेक्टली यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बिल्डिंग सिस्टम होते हैं जो हम तैयार करते हैं।
अब हम बात करते हैं कि प्रीकास्ट कंक्रीट के हमारे लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, इनकी हम बात करते हैं। जो प्रीकास्ट कंक्रीट है उसके हमारे एडवांटेज क्या क्या हैं, देखो एंटायर बिल्डिंग कैन बी प्रीकास्ट वॉल फ्लोर एंड बीम ईटीसी। ठीक है, बिल्डिंग जैसे प्रीकास्ट वॉल होती है, फ्लोर होती है, बीम, उनको हमने साइड पे कास्ट किया और ट्रांसपोर्ट से यहाँ ला के जहाँ पे हमारी साइट होती है वहाँ पे असेंबल करती है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है बट शॉर्ट टाइम में ये तैयार हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉस्टली होता है बट शॉर्ट टाइम में ये तैयार हो जाता है। कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट, हाई स्टील रेनफोर्समेंट वगैरह हम इसमें यूज ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, हाई क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होती है, फ्लेक्जिबल इन यूज, मोर ड्यूरेबल दैन रियल मेसनरी, ड्यूरेबल ज़्यादा होता है, ऑप्टिमम यूज ऑफ मटेरियल, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, डिसएडवांटेज क्या क्या है, वेरी हैवी मेंबर, हैवी मेंबर होता है, उनको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आती है, कैम्बर इन बीम एंड कॉलम। ठीक है, कनेक्शन में भी डिफिकल्ट, कई बार कनेक्शन क्या होता है वहाँ से अलग तरह से हमने कनेक्शन असेंबली करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। समवाट लिमिटेड बिल्डिंग डिजाइन, बिल्डिंग डिजाइन होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, जॉइंट बिटवीन पैनल एंड ऑप्टन एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। समवाट लिमिटेड बिल्डिंग डिजाइन में क्या होता है कि जो बिल्डिंग डिजाइन हमें जरूरत, मतलब लिमिटेड बिल्डिंग डिजाइन हम इसमें बना सकते हैं, जॉइंट बिटवीन पैनल आर ऑफन एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड, पैनल के बीच में जो जॉइंट होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट पैनल। जो बड़े बड़े पैनल होते हैं आपको पता है हैवी होते हैं, तो इसमें क्रेन्स रिक्वायर्ड होती है उनको लिफ्टअप करने के लिए, उनको लिफ्टिंग डिवाइस की हमें जरूरत होती है उनको लिफ्ट करने के लिए, तो ये इनके डिसएडवांटेज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट। कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट क्या होता है, देखो कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट में क्या होता है कि हम इसे बिल्डिंग साइट पे ही कास्ट करते हैं, बिल्डिंग साइट पे कास्ट करते हैं। कैसे कास्ट करते हैं, देखो एक फॉर्मवर्क बनाते हुए ऐसे कास्ट करते हैं, जैसे आपने देखो हम कास्ट इन सीटू पाइल्स यूज लेते हैं, पाइल यूज लेते हैं हम फाउंडेशन में, तो ये सारी चीज़ें हम कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट, देखो लिक्विड मटेरियल इज पोर्ड इन फॉर्म एट द बिल्डिंग साइट, बिल्डिंग साइट पे किसी फॉर्म में कोई लिक्विड मटेरियल को पोर कर रहे हैं, कॉन्क्रीट इज ऑर्डर एंड प्लेस एज नीडेड एंड डज नॉट नीड टू बी ट्रिम्ड या कट आफ्टर इंस्टॉलेशन। जो कॉन्क्रीट होता है मतलब उसको जितना हमें नीडेड होता है उतना प्लेस कर देते हैं, मतलब उसके बाद हमें इसे ट्रिमिंग या इंस्टॉलेशन के बाद हमें इसकी कट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमें जरूरत होता है जितना हमें उतना हम फॉर्मवर्क तैयार करते हैं उसके पर हम कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, वॉश वाटर इज फ्रिक्वेंटली रिसाइकल यूजिंग ट्रक इक्विप्ड डिवाइस डेट कलेक्ट वॉश वाटर एंड रिटर्न इट टू द ड्रम वेयर इट कैन बी रिटर्न टू द रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट फॉर रिसाइकलिंग। हम क्या करते हैं, जो रेडीमिक्स प्लांट आता है वहां से कंक्रीट तैयार होते हुए आता रहता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम स्लैब वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, कास्ट इन सीटू तो है, हमने एक फॉर्मवर्क तैयार किया, रेडीमिक्स कंक्रीट बन के आ रहा है प्लांट से, उसको डायरेक्टली हमने क्या किया, प्लेस करते गए और उसको काम आगे बढ़ाते गए। ठीक है, तो ये सारी चीज इजीली हो जाती है। या इट कैन बी वॉश टू रिसाइकल द कोर्स एग्रीगेट, स्पेशल सेट रिटार्डिंग एडमिक्सचर कैन बी एडेड टू रिटर्न कॉन्क्रीट टू अलाउ फॉर स्टोरेज एंड फर्दर फॉर फ्यूचर यूज। तो इसको में क्या करते हैं, अगर मतलब इट कैन बी वॉश टू रिसाइकल द कोर्स एग्रीगेट, और उसके बाद क्या करते हैं, इसके स्पेशल सेट के लिए हम इसमें रिटार्डिंग एजेंट मिला देते हैं, जिससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो कॉन्क्रीट जैसे रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कुछ कॉन्क्रीट हमारी यूज आ गई, अब कुछ कॉन्क्रीट को हमें बाद में यूज लेना, उसको स्टोर करके रखना है, तो फ्यूचर यूज के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम रिटार्डिंग एडमिक्सर मिला देते हैं, जो इसका सेटिंग टाइम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इट रिड्यूस द हीट आइसलैंड इफेक्ट व्हेन यूज फॉर एक्सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में यूज ले रहे हैं तो क्या हीट जो इफेक्ट है उसको भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो कास्ट इन सीटू बिल्डिंग सिस्टम देखो क्या क्या होते हैं, कास्ट इन सीटू फाउंडेशन में हमने यूज लेते हैं, कास्ट इन सीटू कई बार हम वॉल भी बनाते हैं, वॉल का फॉर्मवर्क तैयार किया, जो कॉन्क्रीट आया रेडमिक्स उसमें हमने पोर कर दिया, पोर करने के बाद उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दिया, देन आफ्टर उसे सेटिंग के बाद हमने उस फॉर्मवर्क को हटा लिया। तो कास्ट इन सीट फाउंडेशन वॉल में हम ज़्यादा यूज लेते हैं, आपने देखो हम फाउंडेशन में पाइल को यूज लेते हैं, पाइल को हम कास्ट इन सीटू तैयार करते हैं, फिर देन हम स्ट्रक्चर को बनाते जाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको यूज लेते हैं। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट के। देखो एडवांटेज क्या क्या हैं, लिमिटलेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शेप एंड साइज, जो शेप एंड साइज की हमें ज़रूरत है उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, वाइड वेराइटी ऑफ सरफेस एंड टेक्सचर कैन बी अचीव, सरफेस एंड टेक्सचर में वेराइटियाँ ज़्यादा होती हैं, होमोजीनियस कनेक्शंस मिलता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, नीड हाई लेवर एंड प्लांट ऑन साइट, साइट पे मतलब हमें जो प्लांट का जो हमें
एरिया चाहिए वो ज़्यादा चाहिए होता है, लेबर का भी हमें ज़्यादा नंबर ऑफ चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ लेबर हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं। फॉर्म वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग, अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हो कास्ट इन सीटू तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसके फॉर्म वर्क का कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो फॉर्म वर्क बनाने में टाइम कंज्यूम होता है। क्वालिटी कंट्रोल इज डिफिकल्ट, पेवर यहाँ पे कास्ट इन सीटू में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। प्री कास्ट में क्वालिटी कंट्रोल इजिली हो जाता है क्योंकि साइट के हम स्टैंडर्ड मेथड का यूज लेते हुए हम उन्हें कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कास्ट इन सीटू में क्वालिटी कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।